हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी और वेजिटेबल का बहुत ही कम तेल का हेल्दी वेजिटेबल पेनकेक बनाएंगे। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बटर मिल्क। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम वेजिटेबल का मसाला बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8 से 10 कड़ी पत्ते जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सभी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्मॉल साइज की प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 1/2 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 कप टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/2 कप ग्रेटेड गाजर। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे ढककर केवल 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, केवल सब्जियों का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सूजी का मिश्रण भी अच्छे से फूल गया है तो अब हम इसमें सब्जी का मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बटर मिल्क और ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बैटर बनकर तैयार है। तो अब हम पेनकेक बनाएंगे। गैस ऑन करके पेन को ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है। तेल की जगह आप इसमें घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम 1/2 कप बैटर डालेंगे और इसे सर्कल शेप में अच्छे से फैला देंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। अब हम इसे लो फ्लेम पर ढककर 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो 6 से 7 मिनट हो गया है तो अब हम इसे पलट देंगे और फिर से हमें इसे ढककर 6 से 7 मिनट तक पकने देना है। तो दोनों साइड से हमने इसे ढककर पका लिया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से सारे पेनकेक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे वेजिटेबल पेनकेक बनकर तैयार है। तो इसे आप गर्मा गर्म हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।